उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने सोमवार को मथुरा के किशोर संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया और वहां रह रहे बाल अपचारियों के लिए एक भोजनालय और 20 बेड के शयन कक्ष का भी लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने संप्रेक्षण गृह और बाल शिशु गृह का शीघ्र कायाकल्प करने की भी बात कही। उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र शर्मा आज अपने गृह जनपद मथुरा आए और आते ही उन्होंने यहाँ जो किशोर संप्रेक्षण गृह मथुरा का वहाँ आए निरीक्षण किया। सबसे पहले यहाँ उन्होंने उनके एक जो कैंटीन बनी है, मैस बनी है, उसका उद्घाटन किया है और बच्चों के लिए जो आवास के लिए 20 बेड लगाए उस हॉल का उद्घाटन किया है। यहाँ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपने लगभग आधा घंटा इसका बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया है, क्या कुछ रहा ये जानते हैं। डॉक्टर साहब बताएं, आज आपने यहाँ निरीक्षण किया, कैसे रही यहाँ की व्यवस्था है? जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक हॉल का भी उद्घाटन किया है और एक रसोईया का भी उद्घाटन किया है और बड़ा रसोईया यहाँ बनाया गया है जिससे बच्चों का भोजन ठीक प्रकार से बन सके, क्योंकि अभी तक थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बच्चों की संख्या यहाँ ज़्यादा हो रही थी। कितनी है संख्या अभी? 77 है। हाँ, 77 बच्चों की संख्या, कभी कभी 90 तक भी पहुँच जाती है। तो यहाँ जो क्षमता है उन क्षमताओं को देखते हुए ये हॉल का निर्माण किया गया है। बच्चों से भी मैंने व्यक्तिगत तौर पर बात की, मेरे साथ SDM महोदया साथ में और यहाँ के हमारे DPO भी साथ में थे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी साथ में थे। अब सब लोगों ने अंदर जाकर निरीक्षण किया है। बच्चों से मैंने पूछा था कि उनको भोजन ठीक मिल रहा है, बच्चों ने कहा भोजन बढ़िया मिल रहा है। सभी बच्चों के मास्क लगे हुए थे, सभी बच्चों के बाल भी जैसे कटने चाहिए उस हिसाब से कटे हुए थे। थोड़ी सी एक समस्या है कि बच्चों को व्यक्तिगत समस्या मैंने अनुभव की और कि यहाँ पर धूप बच्चों को नहीं लगती है, अंदर ही रहते हैं, अंदर रहना पड़ता है। उसका कारण यह है कि बच्चों की सिक्योरिटी की वजह से यहाँ जो मैदान है उसकी बाउंड्री वॉल नहीं है, उसके लिए हमारे DPO ने लिख कर दिया हुआ है। और मैं तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है समस्या, बहुत जर्जर है बाउंड्री वॉल। मैं तो पहली बार आया हूँ और जर्जर है बाउंड्री वॉल, तो अब मैं जाकर देखूंगा और मैं डायरेक्टर से और प्रमुख सचिव से जाकर बात करूंगा और तुरंत उसका जो व्यवस्था होती है उसको कराने का। और मैं मथुरा के लोगों से भी अपील करूंगा, क्योंकि सरकार के साथ साथ सामाजिक लोगों का भी मैं सहयोग लूंगा जिससे बच्चों का विकास हो, चाहे मेरा बाल सेवा केंद्र हो, क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय होने के कारण मुझसे अपेक्षाएँ बहुत हैं। और बच्चों से संबंधित जहाँ यहाँ भी चाहे पढ़ाई के संबंधित कोई समस्या आएगी तो वहाँ भी मैं जिम्मेदारी कुछ अपने इष्ट मित्र जो भी हैं, आप जैसे जो मेरे शुभचिंतक हैं, उनको भी मैं उन व्यवस्थाओं में लगाऊंगा। यहाँ तो बहुत से किशोर है तो वो भी जाहिर सी बात है पढ़ रहे होंगे हाईस्कूल मेंटर में, तो उनके शिक्षण कार्य की क्या व्यवस्था है? शिक्षण कार्य के लिए यहाँ पर हमारे अध्यापक हैं, वो शिक्षण कार्य करते हैं। सुमन शर्मा जी हैं और नरेंद्र हैं, नरेंद्र सारस्वत जी, और वो यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम कौशल विकास के अंतर्गत सिखा रहे हैं, वो भी सिखा रहे हैं। कंप्यूटर का भी काम यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है समय समय पर, और पूरा वर्कशॉप टाइप का यहाँ बनाने की योजना है जिससे बच्चों का कौशल विकास में, बच्चे जब यहाँ से जाएं तो वो आम जीवन में लगे। तो जैसे आज आपने बेड का उद्घाटन किया, 20 बेड हैं जबकि बच्चे 77 हैं, तो बाकी के और जो 57 के और कमरे हैं उनमें कमरों में थी, अब वो व्यवस्थाएँ थोड़ी सी दुरुस्त की गई हैं, उनसे बेड हटे हैं, तो बच्चों की व्यवस्था ठीक हो रही है कि यहाँ पर निःशुल्क विधिक परामर्श बच्चों को। मैं अपने प्रोफेसर साथियों से, अपने हेड से SK राय जी से भी बात करूंगा कि हमारे विद्यालय में चालू भी की है एक कमेटी, उन्होंने बनाई है हमारे SK राय साहब ने, तो वहाँ से मैं व्यवस्था करूँगा कि हमारे प्रोफेसर लोग, लॉ के प्रोफेसर आकर बच्चों को विधिक सेवा यहाँ पर निःशुल्क दें। हमारे साथ रहे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें बाल संरक्षण के लिए आयोग का चेयरमैन बनाया और आज उन्होंने अपने मथुरा गृह जनपद के राजकीय संप्रेक्षण गृह उसका बड़ी बारीकी से दौरा किया और कहा जल्दी इसकी जो बाउंड्री वाल है, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो बाउंड्री वाल है ये बिल्कुल जर्जर टूटी पड़ी है और पहले इन्हीं वजह से यहाँ से एक बार 14 बच्चे जंगला तोड़कर भाग चुके थे, क्योंकि यहाँ सुरक्षा के हालांकि गार्ड जरूर है एक दर्जन से अधिक, लेकिन पर्याप्त इंतजाम नहीं है। देखना यह है कि उन्होंने जो बात कही है वो कितनी जल्दी उसको पूरा करते हैं। जी 9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।